ये वीडियो हमारे नॉर्मल कंसेप्ट से एकदम अटकर है। दिल से यही चाहेंगे कि हमें इनके दर्शन हो। ये देवता का रूप है। अभी अभी ऐसी आवाज आई ना जैसे पत्थर सा गिर के गया हो। अरे भाई साहब ये देखना, शूट करते करते ये क्या नील गाय आ गई है। नील गाय है ना, अवतार तो नहीं है ये। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और भाई इस बार जो ये वीडियो शूट हो रही है, ये वीडियो हमारे नॉर्मल कंसेप्ट से एकदम अटकर है। इस वीडियो में आपको किसी भी हॉन्टेड प्लेस को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे भगवान। अब वो सौभाग्य हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये हमें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लोकेशन बता देता हूँ मैं, जगह मैं एकदम प्रॉपर तरीके से रिवील नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा ना टेढ़ा टॉपिक है। राजस्थान का एक गांव है छोटा सा, यहाँ पे बताते हैं कि इन जंगलों से हटकर आगे जाकर एक ना जगह है जहाँ पर दो पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया था। ये क्या है? अच्छा कुत्ते है इधर भाई। भाई साहब यहाँ पे लेपर्ड का खतरा है ना, इसलिए एकदम से नजर पड़ी इन पे। तो उस रास्ते को जब बना रहे थे ना, तो पत्थर को काटते काटते उन्होंने देखा कि एकदम से नीचे से ना एक भगवान की प्रतिमा कह लो आप, वो निकल के आई है एकदम से, जिसको लोग कहते हैं शिवजी भगवान का ही रूप है। नाम क्या बताया था उन्होंने? भोमिया जी। भोमिया जी, तो बताते शिवजी भगवान का ही एक अवतार है भोमिया जी, वो यहाँ पे प्रकट हुए थे। जिसके बाद में वहाँ पे थोड़ा सा मंदिर सा क्रिएट कर दिया, वहाँ पे मंदिर सा बना दिया। और सबसे मेन बात ये है कि कहते हैं कि जो भी शाम के बाद में रात को अगर वहाँ पे जाता है तो उनको वो दर्शन देते हैं। अब ये चीज सबके साथ में नहीं होती है, कुछ लोगों के साथ में हुई है जिन्होंने ये दावा किया है कि हाँ हमें दर्शन दिए थे उन्होंने। तो सबने बोला कि अगर आप भी देखना चाहते हो उन्हें तो आप वहां पे जा सकते हो, अगर आपको वो दर्शन देना चाहेंगे तो आपको भी दर्शन दे देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और दिन में हमने ये जगह देख ली थी, काफी ज्यादा खतरनाक जगह है क्योंकि बिल्कुल जंगल और पहाड़ों के बीच में है। सामने अगर आप देखना चाहो ना तो इधर से देखो, झाड़ियों के साइड में से मैं दिखाता हूँ आपको, आगे आपको पहाड़ भी दिखाई दे जाएगा। एक सेकंड, ये हमारी ना आज बैटरी भी फर्स्ट टाइम पे ऐसी सिचुएशन हुई है। देखो बैटरी भी एकदम डाउन हो गई है, देखो बैटरी भी गई भाई खत्म। हाँ बड़ी वाली टॉर्च भी खत्म हो गई क्योंकि दिन में यहाँ पे इस गांव में हम रुके थे और यहाँ पे ना चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, तो ये बड़ी वाली टॉर्च में चार्ज ही नहीं कर पाया। अभी हम वहां से देखो उधर की साइड दिखाइयो भाई एक बार, उधर की साइड कम से कम 1.5 किलोमीटर पीछे मेन रोड है, वहां से हम निकल के पैदल पैदल आए इसी लाइट के सहारे। और यहाँ पे आते आते जब वीडियो शूट करी है तो देख लो अभी थोड़ी देर तो जल रही थी, अब बंद हो गई। तो कोई बात नहीं, हमारे पास में अभी एक और लाइट है बैकअप के लिए, इसकी भी अच्छी खासी रोशनी है। और बता देता हूँ मैं वर्बली, इधर सामने से ना पूरे पहाड़ी पहाड़ है, अभी हम आगे जाएंगे तो आपको दिख भी जाएंगे ढंग से। आ जाओ एक बार चलते हैं उधर ही मंदिर के पास में, देखते भाई हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि नहीं। अगर वो हमें दर्शन दे देते हैं तब तो आप लोग भी देख ही लोगे, अगर वो नहीं भी देते हैं तो हम किसी के लिए भी ये दावा नहीं करेंगे कि बिल्कुल भी ऐसा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। वो फिर सबको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, हम सिर्फ देखने आए हैं कि क्या सच में वो सबको ही दर्शन देते हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो देख लेते हैं बाकी हमारी किस्मत और आप लोगों की किस्मत। और भाई बहुत ही टेढ़ा रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, जंगलों से निकल के हम कैसे कैसे आए ना, वहां से झाड़ियों से निकलते निकलते हमें ही पता है। अच्छा यहाँ पे ना एक ये पानी की टंकी भी बना रखी है बड़ी सी, इसमें बताते हैं डेली पानी निकलता है यहाँ पे, मतलब नेचुरली नहीं, मतलब भरते इस टंकी में पानी। और मुझे पता नहीं जंगल में पानी को यूज कौन करता है,
लेकिन यहाँ पे पानी भरते हैं फिर भी डेली। आओ इधर की साइड ही था ना वो मंदिर आगे जाके। हाँ हाँ आओ जी आओ। यार ये वाली टॉर्च बहुत इम्पोर्टेंट थी इस लोकेशन के लिए, इसी की बैटरी खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं यार, हो तो थोड़ा सा ना यहाँ पे इधर की तरफ ये जो पहाड़ है ना, इस साइड उन्होंने गांव वालों ने हमें बताया था कि कभी कभी यहाँ पे लेपर्ड वगैरह आ जाता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार देखने को मिला है। बताते हैं कभी कोई कहता है 6 महीने पहले दिखाई दिया था, कोई कहता है 2 महीने पहले दिखाई दिया था, तो रैंडमली कभी कभी दिख जाता है। अटैक की तो अभी तक किसी इंसान के ऊपर अटैक की तो न्यूज़ आई नहीं है, पर बताते हैं कि बकरी वगैरह को ले जाता है वो। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमारा तो सामने इस टाइम पे ना ही हो तो बेटर है। आ जाओ उस मंदिर के पास चलते हैं। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज की इस वीडियो के लिए, क्योंकि इससे पहले एक बार और हमने ऐसी जगह को एक्सप्लोर किया था जहाँ पे लोग कहते हैं कि रात को भगवान आते हैं, तो हमें नहीं देखने को मिले थे कोई भी साइन, कोई भी आवाज़, कोई भी दर्शन हमें नहीं देखने को मिले उनके। आज 5 साल में ये दूसरी जगह ऐसी है जहां हम इस टाइप की लोकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उस वीडियो को वैसे आप में से काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, आपने कहा था कि यार ऐसी और भी जगह को एक्सप्लोर करो, तो देखते हैं। इस वीडियो को भी प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वाइब्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ मेरे ये समझ में दिन में भी नहीं आई थी और अब भी समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है क्या? ये भाई ब्रिज है, यहाँ से पानी निकलता था ना। ये हो सकता है यहाँ से किसी टाइम पे पानी निकलता होगा, तो वही क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया गया होगा इधर, है ना। अब समझ में आ रहा है। आओ आगे आओ। ये देखो ये वो पहाड़ है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक पहाड़ इस साइड है, एक पहाड़ इस साइड था, तो ये काट के बीच में से कच्चा रास्ता देख रहे हो आप जिसपे हम चल रहे हैं, ये कच्चा रास्ता बनाया गया था। आगे से कुछ आवाज नहीं आ रही, ये देखो ध्यान से सुनना, ऐसा लग रहा है जैसे काफी सारी चिड़िया एक साथ चहचहा रही हो। ये देख लो भाई, ये है वो मंदिर। और आओ जाओ इधर की साइड से। यहां से दिखा दे भाई एक बार, ये यहाँ पे एकदम से ये पत्थर निकल के आया था जिनको एक रूप माना गया था कि हाँ ये देवता का रूप है, जिसके बाद में यहाँ पे मंदिर बना दिया गया था। और कहते हैं कि आज भी यहीं पे दर्शन देते हैं ये, जब से ये मंदिर की स्थापना हुई है तब से काफ़ी लोगों ने महसूस किया है उनको, कुछ लोगों ने साक्षात देखा उनको।
बाकी इधर दिखाओ भाई एक बार, ये देखो एरिया देखो आप एक बार। यहाँ पे कमी दिख रहा है वैसे तो। यहाँ पे जो सुनने में आई थी वो ये आई थी कि दिन में भी काफी कम ही लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और बहुत रैंडमली आते हैं, डेली तो आते भी नहीं है। और इधर की तरफ देखो पूरी खाई है, ज्यादा गहरी तो नहीं है बट स्टिल खाई है, और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है ये जगह। ये पकड़ ले भाई, क्या बोलता अंदर चले एक बार जूते उतार के। जूते उतार के चलो भाई यार, जूते उतार के एक बार अंदर चलते हैं, क्योंकि भाई कुछ हो या ना हो हम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहेंगे, तो जूते उतार लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। ठंडो भाई, बहुत ही ठंडा है, फर्श तो बहुत ही ज्यादा ठंडा भाई, हद से ज्यादा ठंडा है, क्योंकि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में रात के टाइम पे। आओ जी आराम से उतार ले, जूते उतार लिए, आ जा। देखो कोई भी ये मत बोलना कि भाई आप मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन मैंने अपने बारे में बताया हुआ है कि मैं किस में मानता हूँ किस में नहीं मानता हूँ। मैं भाई टू बी ऑनेस्ट सच्चाई में मानता हूँ। अगर कोई ये पूछना चाहे कि भगवान है या नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि देखो मुझे नहीं पता भगवान क्या है और ना ही आप में से किसी को पता है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये दुनिया का जो निर्माण हुआ है ना, किसी ने तो किया ही है। अब वो क्या चीज है उसको आप लोग भगवान बोलो या कुछ भी बोलो, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई शक्ति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से इन सब चीजों का निर्माण हुआ है, और उसके बारे में ना किसी को भी कुछ नहीं पता है। ठीक है, जो ये कहता है कि मुझे सब कुछ पता उनके बारे में, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो वो अपनी अपनी श्रद्धा, कोई क्या भी मान सकता है, जिसको जो मानना है मान ले, और दिल में सबके अपने अपने हैं, जिसको जो मानना है मान ले। बाकी यहाँ पे तो दारू चढ़ती है, दारू चढ़ती है, ये दारू है। हाँ भाई कंफर्म, ये कंफर्म, देखे एक बार ये, हाँ देसी शराब लिखा हुआ है ना, दिख नहीं रहा इसमें, एक बार जूम कम कर लाइट, ये देखिए लिख रहा साफ साफ, अभी नहीं दिख तो रहा है ये। हाँ आप दिख गया इसमें, घूमर देसी शराब रख देते भाई इसको, तो जो चीज जहाँ पे है वो चीज वहीं रहने दो। हो सकता है आपके गांव वालों का मानना हो सकता है शराब चढ़ाना भी कोई रिवाज हो यहाँ पे। मंदिर आपने देख ही लिया पास से, देख लो एक बार दोबारा नजदीक से दिखा दे। बाकी हम तो दिल से यही चाहेंगे कि हमें इनके दर्शन हो, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी भी तरह के किसी भी पैरानॉर्मल इक्विपमेंट की जरूरत है, नहीं वो सब चीजें यहाँ पे यूज करना ठीक भी नहीं होगा, आप में से काफी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। इसलिए हमने पहले ही डिसाइड करा था कि यहाँ पे किसी पैरानॉर्मल इक्विपमेंट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी हमसे नाराज हो इस बात पे। बाकी थोड़ी देर या तो ना शूज पहन के थोड़ा आसपास का एरिया देख लेते और घूम लेते हैं, और देखते हैं यार अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद हमें भी दर्शन हो जाए। जगह देखो तुम ये, मैं भाई कसम से आज तक ऐसी जगह नहीं आया हूं, और YouTube पे भी मेरे को नहीं लगता किसी ने ऐसी जगह दिखाई होगी आपको। ये पत्थर काटे हुए हैं, ये सारे पत्थर काट काट के रास्ता भी बनाया गया था, हो सकता है पत्थर काट के कुछ ले भी गए हो साथ। आना भाई इधर एक बार,
ये देखो भाई, मतलब एरिया ही समझ से ही बाहर है भाई। ये एरिया इतना स्पूकी एरिया मैंने नहीं देखा भाई आज तक। स्पूकी है साथ ही साथ लेपर्ड का इतना वो है, डर बहुत ही नेक्स्ट लेवल। लेपर्ड के साथ में एक ही बार एनकाउंटर हुआ हमारा, वैसे तो दो तीन बार हो गया, पर वीडियो के टाइम पे एक ही बार हुआ। आपने शायद देखी भी होगी वो वीडियो, लास्ट टू लास्ट वीडियो या उससे लास्ट वीडियो उसी की थी जिसमें स्टार्टिंग में हमने जो क्लिप शूट करी थी वो दिखाई थी आपको भाई। वो एकदम नेक्स्ट लेवल सीन था, लेपर्ड एकदम से सामने आ गए। शुक्र ये था कि हम गाड़ी में थे उस टाइम पे, तो हमने गाड़ी में से ही वो क्लिप शूट करी। और इससे पहले मैंने और संजू ने नैनीताल जाते हुए तो पता नहीं कितनी बार लेपर्ड देखे रोड पे, पर ऐसे टाइम पे जब हम पैदल हो और इस तरीके से जंगल के अंदर हो, अगर ऐसे टाइम पे लेपर्ड आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि भाई उसे बचना आसान होगा। देखिए वो खाई है ना, पूरी चारों तरफ खाई खाई है, लाइट भी नहीं जा रही थी। खाई ही खाई है भाई। भाई आ जाओ साइड आ जाओ, खाई से डर लगता है अपने को, खाई में कुछ भी हो सकता है, बहुत गहरी खाई है। उधर ही चलते हैं मंदिर के पास में, एरिया तो ये देख लिया आगे तक ही ऐसा ही एरिया है। वहाँ पे कुछ है यार भाई, है वहाँ पे आग चमक रही है ना, उसे आग चमक रही है, वो दिख रहा है क्या तेरे को? कहाँ दिख रहा है? इस सीढ़ी में नहीं, वो हाँ। वो आग थोड़ी है, वो उस पेड़ के पीछे कह रहे हो ना तुम? हाँ हाँ, वो पतले से पेड़ के पीछे, हाँ हाँ हाँ, वो कुछ दिख तो रहा चमकता हुआ पर वो आँख नहीं है, वो वैसे ही कोई चीज रखी हुई होगी वहाँ पे चमकीली, हाँ कोई चमकीली चीज रखी होगी। लेपर्ड एक जगह इतना टिक्के थोड़ी बैठेगा, और इतना छोटा थोड़ी होगा लेपर्ड, पर यार वो पहाड़ के काफी ऊपर है, दिख भी नहीं रहा है, छोटा ही हो, छोटा दिख रहा हो हमें, पर वो लेपर्ड वेपर्ड तो नहीं है इसमें, नहीं दिख रहा तो यार ये इसमें नहीं दिख रहा होगा, हमें तो दिख रहा है। अगर वो होगी भी ना तो कोई बिल्ली बिल्ली पाएगी, दिख रहा है इसमें भी, वो देखो ऊपर, मैं जैसे फ्लैश ऊपर मार रहा हूँ तभी दिख रहा है, ये देखो ये ऊपर मारी वो दिख गया, इसमें वैसे दिख रहा है, नीचे मारी नहीं दिखा, ऊपर मारी फिर दिख गया। ये क्या है आँख तो मार, कुछ और चीज है वो, आ जाओ टेंशन मत लो, आ जाओ। अरे भाई साहब ये देखना, शूट करते करते ये क्या नील गाय आ गई है, ये नील गाय है ना, अवतार तो नहीं है ये भाई, कहने में लोग कह भी सकते हैं, कुछ लोग कहते भी है कि भाई अलग अलग अवतार में दर्शन देते हैं कभी कभी भगवान, बट ये नील गाय है। और यहाँ पे शायद से हो सकते हैं इस गांव में नील गाय हो काफ़ी, देखो एक बार करीब जाके उसके, नील गाय बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बाकी रोज भी बोलते हैं इन्हें, वो देखो। और ये जंगली जानवर होता है एक तरीके से, कभी कभी ना हमला भी कर देता है, भागता है बहुत तेज, गायब हो गया अंदर जंगल की साइड चला गया। और ये चुपचाप एकदम से करीब करीब आ रहा था ना, ये रहा इधर ही खड़ा हो गया, ये रहा एकदम धीरे धीरे करीब आ रहा था हमारे, ये देखो आंखें देखो कैसे चमक रही है इसकी, कुछ खाने वाने आया है। अब पता नहीं भाई, पता है बड़े बूढ़ों को ये बात बताएंगे ना हम, तो वो यही बोलेंगे कि हाँ आपको दर्शन हो गए हैं उस रूप में, है ना, काफ़ी बोलते हैं बड़े बड़े लोग ना, बोलते इस चीज़ को काफ़ी मानते हैं कि हाँ अलग रूप में आपको दर्शन दिए हैं। अब वही बात, अगर इस गांव में नील गाय काफ़ी है जब तो फिर ये नॉर्मल बात है, अगर यहाँ पे नील गाय है ही नहीं तो फिर वो लोग यही बोलेंगे कि आपको इस रूप में दर्शन मिले हैं। हमें नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ये देखो भाई ये हमसे डर भी नहीं रहा है, घूम घूम के हम पहले वहाँ पे थे तो वहाँ पे आ गया, अब हम इधर आ गए मंदिर के पास में तो ये यहाँ पे आ गया, ये देखो। और भाई एकदम एथलीट जानवर है, बिल्कुल हट्टा कट्टा गया भाई। वो गया ऊपर पहाड़ की साइड जा रहा है यहाँ से, एक बार देखे पास चल के इधर की साइड से, देखो ये रहा ये रुक गया,
ये देखो ये देखो ये देखो, डर नहीं रहा है बिल्कुल भी हमसे, ना हमारी लाइट से डर रहा है ना हमारी आवाज से डर रहा है, बिल्कुल आराम से अपना टहल रहा है। चलो जाने दो, हम परेशान नहीं करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं भाई शांति के साथ में फील करने की, अगर हमें कुछ भी फील होगा तो आपको बताएंगे हम। भाई लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है यहाँ पे जब से हम यहाँ पे आए हैं, और हमने काफ़ी राउंड मारे यहाँ पे। वैसा तो कुछ फील हुआ नहीं है, 2-3 चीज़ें हुई है। एक तो भाई कुछ दूर से किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी जंगल में से, दूसरा वो अभी अभी नील गाय दिखाई दी थी, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को आप लोगों के ऊपर है कि आप किस वे में लेना चाहते हो। आप लोग ये मानना चाहते हो कि वो भगवान ही अवतार लेकर आए थे, वो आपकी मर्जी है, हम कुछ भी क्लेम नहीं करेंगे। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि यहाँ पे मैं बोल दूँ कि भाई किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, हमें तो नुकसान पहुँचाया नहीं, हम तो एकदम ओके रिपोर्ट है तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। अब सब आपके ऊपर है, इस मामले में मैं अपनी कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने क्या यहाँ पे रिहाई साइड नीचे की साइड अभी अभी ऐसी आवाज आई ना जैसे पत्थर सा गिर के गया हो, पत्थर के साथ में कुछ चल गया, हाँ कुछ चल के गया हो, कुछ पत्थर सा गिर के गया हो, ऐसी सी आवाज आई है, हल्की सी आवाज आई है, शायद से हवा से या तो कोई चीज लुढ़कते हुए गई है या क्या हुआ है पता नहीं। तो मैं कह रहा था कि यार मैं इस मामले में कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि कुछ है तो भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं है तो भी आप में से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो आपके ऊपर है। एक एक्सपीरियंस लेने हम आए थे, एक्सपीरियंस हमने ले लिया है। आप लोग बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो, और इस तरीके की अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना मुझे। और ऐसी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, तो अगर आप न्यू व्यूअर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोस तो इस चैनल पे आती रहती है, सबसे हटके कंटेंट है पूरे यूट्यूब पे, ऐसा कंटेंट कोई नहीं दिखाएगा जो हम दिखाते हैं। तो ठीक है यार, रात काफ़ी हो गई है, ठंड काफ़ी लग रही है, घर चलते हैं ताकि अगली वीडियो की प्रिपरेशन भी कर सकें।